नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है वन इंडिया में। कंधे तक लंबे बालों वाले महेंद्र सिंह धोनी के डेब्यू मैच को देखकर किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन छोटे शहर से आया ये खिलाड़ी टीम इंडिया का सबसे सफलतम कप्तान बन जाएगा। अपनी अगुवाई में टीम इंडिया को दो दो विश्व कप दिलाएगा, लेकिन अपनी मेहनत और लगन के बूते माही ने साबित कर दिया, चाहो तो सब कुछ आसान है। विपरीत हालातों में भी मुस्कुराना, कठिन परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखना धोनी की पहचान बन गई। तनाव को चेहरे तक आने न देना, टीम बिल्डिंग, एकजुटता, ऐसे कई गुण हैं जो हर शख्स अपने जीवन में उतारना चाहता है। देश के सुदूर कोने में गेंद बल्ला थामने वाले हर क्रिकेटर ने रांची के इस राजकुमार को अपना आदर्श माना। सौरभ तिवारी, ईशान किशन जैसे कई होनहारों ने धोनी के बाद इस खेल में झारखंड का नाम रोशन किया, लेकिन अब हरियाणा के एक पेसर हिमांशु सांगवान की धोनी से तुलना हो रही है। संघर्ष के दिनों में एमएस धोनी रेलवे में बतौर टिकट कलेक्टर काम करते थे। काम और अपने पैशन के बीच किस तरह सामंजस्य बिठाया जाता है, धोनी ने यह बखूबी बताया। अब टीम इंडिया के दरवाजे पर दस्तक देने की कोशिशों में अब एक और भी ऐसा खिलाड़ी जुटा है जो धोनी की तरह टिकट कलेक्टर का काम कर चुका है। हरियाणा के पेसर हिमांशु सांगवान का नाम इस रणजी ट्रॉफी सत्र से पहले शायद ही किसी ने सुना होगा, लेकिन मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर अपनी कहर बरपाती गेंदों से हिमांशु ने सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। 41 बार की चैंपियन मुंबई को पटकने में हिमांशु ने अहम भूमिका निभाई। ये पहला मौका था जब रेलवे ने मुंबई को रणजी ट्रॉफी में मात दी। मैच में 24 साल के हिमांशु सांगवान ने 6 विकेट लिया। अपनी तेज गेंदबाजी से टीम इंडिया के टेस्ट उपकप्तान अजिंक्य रहाणे और पृथ्वी शॉ जैसे खिलाड़ियों को निपटाने वाले सांगवान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर टिकट कलेक्टर का काम कर चुके हैं। मैच में रेलवे ने मुंबई को पहली पारी में 114 रनों पर समेटा और दूसरी पारी में 198 रन पर निपटा दिया और 8 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया। हिमांशु सांगवान ने अपनी प्रतिभा तो दिखा दी है, अब बस ये देखना है क्या वो धोनी की ही तरह टीम इंडिया में अपना नाम रोशन कर पाते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया।